दर्शकों, आज हम इस वीडियो में मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। मंगल हर भाव में कैसा कैसा फल देते हैं। दर्शकों, मंगल लगन या प्रथम भाव में हो तो ऐसा जातक क्रूर साहसी होता है और दुर्घटना की संभावना भी बनी रह सकती है। मेहनती तो बहुत होता है, मेहनत से हिम्मत नहीं हार सकता। द्वितीय भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक कड़वा हमेशा बोलता है, नाक कान का रोगी हो सकता है, कानों का कच्चा होता है। तृतीय भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक भाइयों के लिए कष्टकारी, भाइयों से उसे सहयोग नहीं मिलता, बलवान होता है, साहसी होता है, धैर्यवान भी बहुत होता है। चतुर्थ भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक कष्टकारी होता है लेकिन भूमि का लाभ प्राप्त करता है। पंचम भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, उसकी बहुत तेज बुद्धि होती है लेकिन क्रोध जल्दी आता है, यानी उग्र स्वभाव वाला होता है, उधर रोगी भी हो सकता है। भाव में मंगल अच्छा होता है, ऐसा जातक बलवान, धैर्यवान, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, पुलिस अफसर, फौजी आदि होता है। सातवें भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक का दाम्पत्य जीवन यानी पारिवारिक जीवन में कलह रहता है, बुद्धिमान होता है लेकिन पति पत्नी की आपस में नहीं बनती। आठवें घर में मंगल हो तो ऐसा जातक रक्त संबंधी विकार से ग्रसित हो सकता है, धन की चिंता हमेशा बनी रहेगी, नेत्र रोगी भी हो सकता है। नौवें भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक मंत्री या किसी ऊंचे पद पर आसीन होता है, थोड़ा अहंकारी भी हो जाता है, यशस्वी होता है। दसवें घर में मंगल सबसे अच्छा फल देते हैं, ऐसा जातक कुल में दीपक की भांति होता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, स्वाभिमानी होता है, चतुर होता है, सफल होता है, धनवान भी बहुत होता है, सुख साधनों से पूर्ण मान सम्मान पाता है, दूसरों का भी मान सम्मान करता है। ग्यारहवें भाव में मंगल हो तो न्यायप्रिय बहुत होता है, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, प्रवास में निवास करने वाला होता है, संपत्ति से युक्त होता है। बारहवें भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक नेत्र रोगी हो सकता है, खर्चीला ज़्यादा होता है।